मैं किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। ये काला चेहरा किसको दिखलाऊंगा? यही लोग कहेंगे कातिल का पिता है। मैं तो मर जाऊंगा बच्चा, मर बेटी बन गई तुम आ गए। हाँ बाबूजी। तेरा बाप तो मर गया रे, मैं अपनी जिंदगी से हार गया। आज हमारे सर की पगड़ी उतर गई, उतार दिया अपनों ने। लेकिन बात क्या है बाबूजी, ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर मुझसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर यह मायूसियत, बात क्या है? बेटे, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के लोग उसे जग्गू जग्गू कहा करते थे। एक बार मेरे पास पैसों के लिए आ गया था और मैंने उसको 500 रुपये दे दिए थे। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि पैसा दे दे, क्योंकि बहुत सारे गरीबों को देखना पड़ता है, सब लोग हमारे पास आते हैं, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप चले रहना, लेकिन परेशान मत करना। और ये नगराज यहाँ से गया, ना जाने क्या कन्वर्सेशन, क्या क्या है इसके बीच में। इसने कहा अगर तुम्हें पैसे नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो दुनिया में है नहीं, उसका बेटा था रामू नाम का लड़का। उसने क्या किया कि इसके खौफ से 1 बीघे जमीन को उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो उसके पहले इसने क्या किया, उसकी बहन को ही शूट कर दिया। अभी अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह, इंसाफ का पुजारी तू बनता है तो इंसाफ करके अब मेरे को दे दे, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को शूट कर दिया है। अगर तू इंसाफ करके नहीं दिया तो मैं तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा। ये कह करके मेरे ऊपर गालियां दे रहा था मेरे को। बाबूजी, भैया ने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी, अब मैं आ गया हूँ, मैं भाई को समझा दूंगा, आज के बाद कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा सीनियर ब्रदर है, समझा ले उसको। उसको कौन समझाएगा रे, जिसकी मासूम बहन को मिटा दिया गया, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया गया, जमीन को बेचवा दिया गया, उसको कौन समझाएगा? उसकी तो दुनिया उजड़ गई। अगर समझाने की बात करोगे तो मैं भूल जाऊंगा तुम्हें भी। याद रखना, मैं किसी को नहीं मानता। सिर्फ इतना जाकर के नगराज को कह देना कि आज के बाद वो साला अपनी मनहूस शक्ल मेरे को नहीं दिखलाए। नो, डू नॉट कट मी शॉर्ट, हैव नो अटेंशन, आई से दैट बी केयरफुल, बिल्कुल सावधान खड़े हो, बोलना मत। जाकर के अपनी माँ से कह देना कि आज तक वो रिश्ता अपनी माँ तक ही सीमित रखेगा, उसके लिए उसका बाप मर चुका है, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश किया करता तेरी मां सामने आकर के खड़ी हो जाती, उसी का ये आंसर निकला है, चले जाओ यहां से, तुम भी चले जाओ, मेरे को कोई नहीं चाहिए, भगवान के लिए मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता, खबरदार कोई मत आना मेरे बाबू। मेरे भाई, ये तुमने क्या किया है? सिर्फ 500 रुपए के लिए एक गरीब इंसान की बहन को मिटा दिया। गरीबी क्या होती है, किसी गरीब के यहां जाकर एक दिन एक रात गुजारो तो तुम्हें एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है। और फिर तुम्हारे पास कमी की चीज की थी, आलीशान हवेली थी, रुपया पैसा धन दौलत हर चीज तो संपन्न था, फिर भी तुमने उसकी बहन को मिटा दिया। मुझे जाकर रामू को समझाना होगा, क्योंकि अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो
तो हमारे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। कि रामू अगर हमारी बात समझ गया तो ठीक है, नहीं तो नगराज ये तेरा भाई ही तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। मैं शुक्रपुर गांव में रहता हूं, तो इसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब इस गांव में बचा क्या है, बहन थी वो भी मिटा दी गई, एक बीघे जमीन थी वो भी बिक गई, अब इस गांव में क्या बचा है। और इस गांव को छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के राह थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ के राह थाम लेता है, वो डाकू के शरण में चला जाता है, उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलू किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को मिटा सकूं। जमींदार राणा, जिस तरह तेरे बेटे ने मेरी बहन को मिटाया है, उसी तरह जमींदार राणा मैं तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। और जब भी आऊंगा तेरी हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा, खून की लाशों के ढेर लगा दूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा। कौन प्रताप है? ओ गॉड यार, मैं तुझे कोई पहचान भी नहीं। कम ऑन माय फ्रेंड, कम ऑन। ओ नो, ओ नो यार, नहीं पहचान पाया यार, बहुत दिनों के बाद देखा। क्यों नहीं दोस्त? कैसे चल रहा, कहाँ तक पढ़ाई किया था यार? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेतीबाड़ी के चक्कर में। चल कोई बात नहीं यार, तेरे को देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया, कुछ सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और इंटरमीशन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे। किससे आना होता है? बैठ बैठ पर कहो कैसे आना हुआ है जाए तो मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहूंगा। दोस्त आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूं, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो, कहीं आप हमारी बात को इनकार ना कर दे। नो नो माय फ्रेंड, व्हाइल शो ऑफ रॉयल डरने की कोई बात नहीं, तू बिल्कुल फ्री है, जो भी बोलना चाहता बोल जा। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि किस लिए मैं आया हूं। मैं आया हूं कुछ मांगने से, मैं
हमारी और तुम्हारी जिंदगी का भरोसा क्या है? आज हम लोग हैं, कल ना रहे। हमारे पास एक बेटी है, बस हमारी बेटी को अपना बहुत स्वीकार कर लो। यार प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई, हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं। दोस्त, मैं समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों ठुकरा रहे हैं, कि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूं, इसीलिए। नो माय फ्रेंड, यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नो, मैं जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ और आजीवन ऐसे ही मिलूंगा आपको। दरअसल बात ये है, क्या मजबूरी है? दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा नगराज है और छोटा बेटा मनजीत है। मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो रहा हूँ। दोस्त, मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि मेरा बेटा बैरिस्टर है, अभी लंदन से आया है? मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। ठीक है, ठीक है, दिल में धीरे धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा, पेट मंजीत को अभी बुलवाए करी, पेट मंजीत को अभी बुलवाए करी, साधिकारी तेरी औकात कैसे पड़ गए मेरी चौखट पे रिश्ता मांगने के लिए? भूई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लखाते हो, दलाली बजारी करने वाला इंसान गांव भर में अकेला है तो अपने आप को जमीन खिलाता है कुत्ता कहीं का।
ठकुराई शादी यहाँ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। रामलाल चलो अब लोग वापस चलते हैं। अब कहाँ तो देख लिया होता रे, छोटी मुंह बड़ी बात है। ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? हरीश चुड़ैल के कहने से तू जा रहा है? ये कह देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। आता है क्या यार तू? आना, डरता क्यों है? चल बैठ, तू बैठ, मैं आदेश देता हूँ, बैठ जा, बैठ जा। ए साली कुतिया कहीं की रंडी, अपनी औकात में आ जा। सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पे आने के लिए? किसके परमिशन से तू आई है? अच्छा, तो अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी ज्यादा के लेने पड़ेगा? शादी करके कोई भगा करके नहीं आई है? सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह हवेली के अंदर होती हैं जहाँ पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई बात करते हैं, कोई मशवरा, कोई डिसाइड करते हैं, तो वहां पे नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी हो करके महल से बाहर निकल करके चौपाल में आ करके मुंह खोल करके बात कर रही है, मेरा ये सवाल है। ये लोमड़ियों के फौज लगी है या शेरों के सभा लगी या लोमड़ियों के फौज क्या? साली रंडी कहीं की कुतिया छिनार कहीं की छिनार। आज अपनी औकात दिखला दिया, तेरे वजह से सुनने को मिल रही मुझे। आज अपनी असलियत पे आ गई तू, नालायक कहीं की। अरे तू क्या जाने ये कौन है? ये मेरा जिगरी यार है, मेरे बचपन का यार, मेरा क्लासमेट है ये। अरे मैं कहा कह, तू अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री कृष्ण और बलाले से सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यही पर हो, तो 4,000 रुपए दे तो अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी औकात उतनी बड़ी बात करना चाहिए। सावित्री ना करीता साली, बहुत बड़ा घमंड हो गया मेरी दौलत पे, बहुत बड़ा घमंड हो गया। ये दौलत किसी की नहीं है, जब एक दिन मरोगी नहीं तो जनाजे में कोई कंधा देने वाला तक नहीं मिलेगा, ऐसे ही तुम्हारी लाश को फेंक दी जाएगी। चली जा साली यहां से, अपनी मनोज चक्कर लेकर चली जा, नहीं चूट कर दूंगा अभी मैं तेरे को। चली जा। अरे साली, सब कुछ खो गया मेरा बाबू, मेरा सब कुछ चला गया, क्या बचा है मेरी जिंदगी में? दोस्त, मैं सब कुछ समझ रहा हूं। छोड़ो यार इनकी बातों को, मैं बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को यह रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। चलो रामलाल, हम लोग वापस चलते हैं। तुम ऐसे नहीं जाओगे, मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं,
जिसको मैंने जुबान दे दिया, मेरी जुबान कट जाए भले, क्यों ना मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन दिया हुआ जुबान मैं कभी वापस नहीं लेता। याद रखना, ये हमारे पुरखाजों की परंपरा है। मैंने अपनी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। अब ये रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार। भाड़ में जाए ये घर, भाड़ में जाए मेरा परिवार, भाड़ में जाए सारी दुनिया। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये ठाकुर राणा एक तरफ रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मैं अपने बेटे से इस बात के लिए डिसाइड करेंगे, सलाह लेंगे, मशवरा करेंगे, लेकिन ये करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। नो, क्योंकि मैंने पढ़ाया लिखा है, मेरा बेटा है, वो मेरा औलाद है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बिटिया को अपनी बहू बना करके अपने महल के अंदर ले आऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। यार, तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? मैं उपकार कर रहा हूँ कि उपकार तू कर रहा है? अरे भगवान ने मेरे को कोई बेटी नहीं दिया भैया, आज मेरे को बिटिया मिल रही है, अब इससे बड़ा और क्या होगा? और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है। सिर्फ मेरे को दहेज में तेरी बिटिया चाहिए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दोस्त, मुझे मालूम है कि प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बनाकर ले आए। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी औरत ने जो कुछ आ करके यहाँ पे बक दिया है भैया, किसी और के सामने मत कह देना, मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बाबू, तू तो जानता है ये लड़की कैसी थी, हमेशा तू हमारे साथ में रहता था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ये नालायक दो बच्चे की माँ है, अगर मारपीट करता हूँ घर के अंदर तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा को देखो, जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है, दूसरों का फैसला क्या करेगा? मैं ज्येष्ठ की हूँ इस गांव का, ज्येष्ठ की हूँ। इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया, जबरदस्ती की जिंदगी जी रहा हूँ। किसी से मत कहना कि राणा साहब की पत्नी इस तरह की है, नहीं मर जाऊंगा मैं। मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, और कोई कमी नजर आए तो चुपके से अपना कोई वर्कर या सर्वेंट भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ।